बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डाले कुकर में गोश्त, डालेंगे इसमें प्याज, नमक पानी थोड़ा है। इसमें हम डालने लगे दो पोथली, और ये हम बना रहे हैं बीफ मटन पुलाव यखनी वाला। ये हम अब रख देंगे चूल्हे पे चढ़ा के इसमें पानी डाल के, क्योंकि हमने ये एक दो बाउल चावल लिए हैं ये वाले, तो उसी हिसाब से हम फिर पानी इसमें शामिल करेंगे। तो ये पानी हम डाल रहे हैं अब अपने कुकर में। अब इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे कड़ी पत्ता, और दूसरी जानी जो यखनी है वो पक के तैयार हो गई है। यहाँ पे हमने पतीला ले लिया और उसमें हमने प्याज डाल दिए, घी डाल दिया, हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता और गरम मसाला। इसी जानब हम मसाला ग्राइंड कर रहे हैं, इसमें लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्च जीरा और गरम मसाला डाल दिए हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। जी ये आज हमारे गेस्ट हैं, जो हमारा नन्ना सा बेबी है, ये उनके तमाम के लिए बेबी को देखने आया था। और यहाँ पे हम यखनी पुलाव तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मसाला डाल देंगे हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हसबे जायका नमक शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दड़ा मिर्च। अब हम इसमें शामिल करेंगे गनी फूड्स वालों का बिरयानी मसाला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम गोश्त डालेंगे इसमें, जी हमने इसमें अपनी लाइट का पानी डाल दिया, अब इसको 12 मिनट तक छोड़ देंगे, इसमें बाद में शामिल करेंगे राइस। जी हमने इसमें अब चावल शामिल कर दिए, अब इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो ये जो हम आज बनाए थे बड़ा गोश्त, तो मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया, प्याज टमाटर सब मिर्च और दूसरे इंग्रेडिएंट्स नमक मिर्च हल्दी पाउडर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब जो है हम अपना जो उसको वेट लगा के रख देंगे, तकरीबन ताज़ा गोश्त है इसलिए इसको 10 से 15 मिनट में ये जो है वो गल जाएगा, हम इसको वेट लगा के रखते हैं। तो ये जी अब हम अपना जो है दम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े के राइस जो है, अभी तो धुआई दे जा रहे हैं, दम आ गया है। ये जो हमारे आज का यखनी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, देखिएगा कि कैसे बने, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।